be understood. Please. और हाँ, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, टेररिज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, पर ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, और इसीलिए पिछले दिनों में जो वहां की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने आई थी, प्रॉपर डिस्कशन नोट प्लीज, यस अब चलिए ठीक है छोड़िए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुझे मिलने आई थी प्लीज कोंडोलिज़ा राइस, तो मैंने उन्हें कहा था कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या है जिसमें हम चाहेंगे कि अमेरिका जितना प्रभाव डाल सके उतना डाले, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा कि ये बार बार आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग सेक्शंस इन पाकिस्तान और विश्व में भी कई सेक्शंस कश्मीर का उल्लेख करते हैं, तो ये बात समझनी चाहिए कि भारत कश्मीर विवाद का विषय नहीं था, हिंदुस्तान में 530 रजवाड़े थे और उन 530 रजवाड़ों में जो व्यवस्था थी उस समय, उस व्यवस्था के अनुसार केवल मात्र वहां के महाराजा ने निर्णय नहीं किया, लेकिन वहां की जनप्रतिनिधि संस्था जो थी उसको भी कहा गया, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि हम भारत के साथ जाएंगे। अगर कुछ हिस्सा कश्मीर का आज पाकिस्तान के कब्जे में है तो उसका कारण नेकेड एग्रेशन है, इन्वेजन है, और वो एग्रेशन जो है उस एग्रेशन के बारे में संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है अभी कुछ साल पहले का कि वह हिस्सा भारत का हिस्सा है, वह हिस्सा कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कब्जे में उनके होगा, और इस तथ्य को दुनिया को पहचानना चाहिए, अमेरिका को विशेष रूप से पहचानना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अमेरिका में भी ऐसे ग्रुप्स खड़े होते हैं जो समझते हैं कि समस्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो है कश्मीर की है, और कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए तो समस्या हल हो जाएगी। इस गलत फहमी में मत रहिए, भारत जो है वो किसी सूरत में जम्मू कश्मीर के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा, ये भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारा संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। हाँ, उन्होंने उसमें ये भी बात कही अपने लश्कर ए तोयबा ने अपने इस पैम्फलेट में कि उसने डिक्लेयर किया कि तीन हमारे खास दुश्मन हैं लश्कर ए तोयबा के लिए, और वो हैं भारत, अमेरिका और इज़राइल एज एग्जिस्टेंशियल एनिमीज ऑफ इस्लाम, और इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने केवल मात्र ये अपना ताज और ओबेरानी चुने, उन्होंने नारीमन हाउस भी चुना अपने इस टारगेट के लिए, लेकिन सचमुच में तो हमको पहचानना चाहिए ये सारा आतंकवाद और आतंकवादी हमले वह दो बातों के ऊपर टारगेट किया है। एक तो जिस प्रकार से भारत की प्रगति होती गई है, भारत आगे बढ़ता गया है, और जिस प्रकार से यहां पर सब धर्म, सब मजहब, सब मत मतांतर वह को एग्जिस्ट करते हैं, सब आते हैं यहां पर, यह देश ऐसा है कि जहां पर क्रिश्चियनिटी बहुत पहले आई, वहां पर शायद केरल में हम जाते हैं आज भी तो सबसे पहली जो मस्जिद हिंदुस्तान में बनी वो वहां पर बनी। मैं स्वयं उस समय भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में मैं कराची में रहता था, तो मेरे आप बोलिए। मैं केरल का जिक्र कर रहा था जहाँ पे सबसे पहला एक चर्च बना, वहाँ पर जो कोचिन जाता है तो उसको ईसाइयों का भी और यहूदियों का भी वो दिखाते हैं सिनेगॉग, और मैं स्वयं कराची का निवासी हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे 20 वर्ष पहले जीवन के वहाँ बिताए, मेरे स्कूल में मेरे साथ कई साल तक क्लासमेट्स में जूस कई थे, और मैं 50 साल बाद जब इज़राइल गया था उनमें से एक को ढूंढ निकाला वहाँ पर, ये सारे अनुभव हैं, और इसीलिए मैं इसको मानता हूँ ये हिंदुस्तान है कि जो जिन सर्कमस्टेंसेस में आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ,
विभाजन इस बात पर हुआ कि मुस्लिम बहुमत कहाँ पर है, हिंदू बहुमत कहाँ पर है, इस पर विभाजन हुआ। और पाकिस्तान ने भले ही अपने को इस्लामिक राज घोषित किया होगा, थियोक्रेसी स्वीकार की होगी, हमने थियोक्रेसी स्वीकार नहीं की। हमने कहा कि हमारा राज्य सेक्युलर राज्य होगा कि जिसमें सब धर्म सब नागरिक बराबर होंगे, किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो। ये दिस इज द सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ इंडिया, और उस सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ इंडिया पर आक्रमण है ये पहचानना चाहिए। हमारी प्रगति पर आक्रमण है और इस सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ इंडिया पर आक्रमण है, इसको पहचान करके हम इसका सही उत्तर दे पाए उनको, और उस उत्तर देते हुए हम भारत के मुसलमानों को भी उसमें समाविष्ट कर सके। जितनी मात्रा में हम कर सकेंगे उतनी मात्रा में ही हमने सही उत्तर दिया, ये कहा जाएगा। मुझे अभी अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मुंबई के घटना के बाद कई स्थानों पर मुस्लिम समाज में गुस्सा है कि क्या हो रहा है, इनके कारण हम बदनाम होते हैं यहाँ पर, इनके कारण यहाँ पर मतभेद पैदा होते हैं। और अभी अभी एक क्लेरिक्स इकट्ठे हुए थे कहीं पर हैदराबाद में, जिन्होंने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, कई लोग यहाँ पर आए आकर के प्रदर्शन किया आतंकवाद के खिलाफ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र हैं एमजे अकबर, पत्रकार हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, लिखते हैं रेगुलरली आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने टोरंटो स्टार में एक लेख लिखा जिसमें कहा कि आई एम एन इंडियन एंड अ मुस्लिम एंड प्राउड टू बी बोथ, लाइक एनी इंडियन टुडे आई एम एंग्री फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, आई एम एंग्री एट द मैनिक डॉग्स ऑफ वॉर हु हैव इन्वेडेड मुंबई। सही कहा। और चिदंबरम जी हाँ कह रहे हैं, लेकिन आई होप कि उसका जो फॉलोइंग सेंटेंस है उसको उससे भी हाँ कहेंगे। उन्होंने कहा आई एम फ्रस्ट्रेटेड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ माय गवर्नमेंट इन मुंबई एंड दिल्ली, स्टोन डेफ टू द एंग्विश ऑफ माय फेलो सिटीजंस, एंड आई एम डिप्रेस्ड एट द डैमेज बीइंग डन टू द आइडिया ऑफ इंडिया। धन्यवाद। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट जस्ट अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं गृह मंत्री की बात मानता हूं कि मैं उन सवालों को जो सब अखबारों में छपे हैं अभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जो प्रस्ताव मुझे दिया गया ड्राफ्ट उसमें कहा है कि हम रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ जिसके कारण मुंबई की घटना हुई, इसीलिए मैं उसके सारे सवाल नहीं उठाता हूं। लेकिन हाँ, पूछना जरूर चाहता हूं कि जैसे वो परसों करे, मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, आई डोंट गो बाय वॉट एवर हैज बीन पब्लिश्ड इन द प्रेस। आज सुबह सुबह के अखबार में केवल वेसल का बताया नहीं, लेकिन वेसल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये भी बताया, और गृह मंत्री ने अपने भाषण उसमें कहा है कि नेवी को अलर्ट किया गया, नेवी को बताया गया कि नेवी का कहना है कि वो उस समय हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं था, लेकिन ये भी कहा है उन्होंने कि चोरी उन्होंने यहां से किया, वो एक इंडियन शिप था जिसको उन्होंने उठा करके, हाँ, कुबेर जो था वो गुजरात का था, जिसको उठा करके ले गए ये लोग। तो क्या हमको ये अधिकार नहीं कि इस प्रकार के अपने जहाज को हम छुड़वाने के लिए कुछ करें? आई डू नॉट नो द सिंपल फैक्ट दैट दे आर आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, डू दे प्रोहिबिट अस फ्रॉम टेकिंग बैक अवर ओन वेसल, एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द पॉइंट वेयर दे रीच्ड बाय रबर डिंगी, वो कितना डिस्टेंस।